हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ प्रिया. आई होप आप सभी अच्छे होंगे. तो आज की वीडियो में हम अनदर एंटी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो एंटी ने फाइनली अपनी साइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि कल 8 अगस्त को डाल दिया है आपके यूजीसी नेट के रिगार्डिंग. तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन डाला है यूनिवर्सिटी ने जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है. तो नोटिफिकेशन जैसे कि आप सब्जेक्ट देख रहे हैं 8 अगस्त को कल ही डाल दिया था. कल काफ़ी 3-4 नोटिफिकेशन एक साथ डाल दिए थे बट कल वीडियो नहीं बना पाई तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं. तो सब्जेक्ट जैसे आप देख रहे हैं, शेड्यूलिंग ऑफ डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर साइकिल फेज सेकंड रजिस्ट्रेशन. ठीक है, जिनके सेकंड फेज के पेपर रह गए थे, जैसे जिनका जुलाई में हो गया था 8, 9, 10 जुलाई के आसपास, 11 जुलाई के आसपास काफ़ी स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके थे. ठीक है, नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स थे उनके पेपर 12, 13 और 14 ऑफ अगस्त को लेने थे जैसे आपको पता है. तो एनटीए ने क्या किया है, एनटीए कंडक्टेड द फेज़ वन उन्होंने कंडक्ट करवा लिया था जून जुलाई में. 9, 11, 12 जुलाई को आपका पेपर हो चुका था इन 310 एग्जामिनेशन सेंटर्स पे. जो फेज़ सेकेंड था, अर्लियर शेड्यूल किया गया था कि आपका पेपर जो है वो 12, 13, 14 अगस्त को होगा. उसके बाद काफ़ी नोटिफिकेशन आए कि सीयूएट यूजी का पेपर जो है वो इस डेट को किया जाएगा. फर्दर नोटिफिकेशन आया कि सीयूएट का एग्ज़ाम जो है वो पोस्ट फोन कर दिया गया, अब वो 24 से 28 अगस्त के बीच में होगा. एंड देन कल एक और नोटिफिकेशन आया कि सीयूएट जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर है, वो आपका 1 से 20 सितंबर तक, ये 11 सितंबर जो भी डेट थी हमने डिस्कस की थी उसमें लिया जाएगा. ठीक है, तो हमने ये सोचा था कि अगर सितंबर में उसका पेपर है लास्ट में, फर्स्ट वीक में एंड लास्ट वीक में सीयूएट यूजी का एग्जामिनेशन है, तो मे बी आपका जो एग्जाम होगा यूजीसी नेट का पोस्टपोन या फिर उसी डेट को होगा 12, 13 एंड 14. बट आज जो है वो बताया गया है कि जो आपका फेस सेकेंड है, नाउ इन ऑर्डर टू कंडक्ट द टेस्ट ऑफ द रेस्ट पेपर, जो रेस्ट पेपर बच गए हैं टुगेदर इन वन फेज, मतलब अगर फर्स्ट फेज में भी जिनका रह गया है एंड द फाइनल फेज सेकेंड फेज जुलाई में, अब वो पेपर आपका लिया जाएगा 20 से 30 सितंबर के बीच में. अब पोस्टपोन हो ही चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है. ठीक है, बिकॉज द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शेल बी डिस्प्लेड ऑन 11 सितंबर, एडमिट कार्ड विल बी डिस्प्लेड ऑन 16 सितंबर. जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वो आपको 11 सितंबर को बता दिए जाएंगे और एडमिट कार्ड आपके 16 दिसंबर से इशू करना स्टार्ट कर दिए जाएंगे. तो फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका एनटीए का एग्ज़ाम क्या है, पोस्टपोन हो चुका है. 20 से 30 सितंबर आपका एग्ज़ाम होगा, आपके पास काफ़ी टाइम हो गया, आप अपनी रिवीजन और अच्छे से कर सकते हैं. तो ये नोटिफिकेशन था, फिर भी आप एनटीए की साइट पे अपडेट रहेंगे क्योंकि एनटीए क्या है, रोज़ कोई ना कोई अपडेशन डालता रहता है. कोई क्वेरी है तो आप उनको मेल भी कर सकते हैं. आफ्टर दैट आपको सब्जेक्ट्स के नेम भी गिवन है, जैसे देख रहे हैं ना, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट एनेक्सर वन में आपको सब्जेक्ट नेम गिवन है जिनके एग्जाम्स अभी नहीं हुए हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स रह चुके हैं. तो फाइनल नोटिफिकेशन यही था कि अब आपका एनटीए का एग्जाम क्या है, पोस्टपोन हो चुका है, 20 से 30 सितंबर के बीच में होगा. ठीक है, 11 सितंबर को आपके सेंटर्स आ जाएंगे एंड 16 को आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे. तो आज की नोटिफिकेशन के लिए बस इतना ही. आई होप अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइमली मिलती रहे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.